गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने क्लास टेंथ मैथमेटिक्स सैंपल पेपर वन में 24 क्वेश्चन तक कर लिया था। उम्मीद है आपने वो रिवाइज कर लिया होगा और कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आई होगी। चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। इसके दो पार्ट हैं, मैं दोनों ही आपको समझाऊंगा, लेकिन आप अगर बोर्ड में इस तरह आता है तो केवल एक पार्ट ही आप करेंगे जो आपको अच्छे से आता हो, दोनों नहीं करेंगे। तो चलिए 25th क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसका पार्ट फर्स्ट ये दे रखा है कि गिवन दैट, ये गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड cosec a। ये आपका चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 8.1 से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम साइन और सेक इनको हम लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे हम ये दे रखा है, ये ले लें 15 cot a इज इक्वल टू 8। 15 को यहाँ से हटाएंगे तो ये 8 के नीचे चला जाएगा। अब आपको पता है कि आपका जो cot है इसका संबंध cosec के साथ है। आपको फार्मूले लिखवाए गए थे, याद कर लिए होंगे कि आपको पता है कि मैं यह लिख रहा हूं कि cosec स्क्वेयर a माइनस cot स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी है जो याद करने के लिए दिया था मैंने। तो यहां पर आप cot की वैल्यू रख दें, cosec स्क्वेयर a माइनस 8 अपॉन 15 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब आप इसका स्क्वेयर करेंगे तो 8 का स्क्वेयर 64, 15 का 225 इज इक्वल टू 1। अब इसको इधर ले जाइए तो आपका क्या आ जाएगा, ये cosec स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1 प्लस 64 अपॉन 225। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसमें ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 289 अपॉन 225। अब हमारे पास ये cosec स्क्वेयर था तो cosec को लेंगे तो इसका स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा, तो 289 का स्क्वेयर रूट होता है 17 और ये हो गया 15। अब हमें पता है कि जो साइन ए होता है 1 अपॉन cosec ए होता है, अर्थात इसका उल्टा। तो एक आंसर हमारा आ गया 15 अपॉन 17 साइन ए। इसके बाद इसने पूछा sec ए, तो हमें ये पता है कि sec उल्टा होता है cos का, और साइन से हम cos निकाल सकते हैं। हमें पता है कि cos स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर 15 अपॉन 17। देखिए ये वैल्यू हमने साइन की आ गई हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 1 225 अपॉन 289। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 64 अपॉन 17। और यहाँ पर आप देखेंगे कि cos स्क्वेयर था तो cos से रूट ले लेंगे तो 8 अपॉन आपका कितना आ गया, इसका रूट लेंगे 289, तो इसका रूट ले लेंगे तो 8 अपॉन 17। तो sec a क्या होता है, 1 अपॉन cos a, अर्थात cos का उल्टा 17 अपॉन 8। तो ये आपके आंसर आ गए। sin a आपका आ गया 15 अपॉन 17 और sec a आपका आ गया 17 अपॉन 8। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन को हमने आइडेंटिटी का यूज करते हुए हल किया है।
आप अगर चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ट्राइंगल बना के इसको हल कर सकते हैं। जो 8.1 में आपके टीचर्स ने आपको समझाया वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं, कोई सा भी तरीका गलत नहीं है। हमें एग्ज़ाम के अंदर जो ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड होता है उसी का यूज करना चाहिए, जिससे हमारा टाइम भी कंज्यूम ना हो कम समय में और गलती भी ना हो, हमेशा वो मेथड अडॉप्ट करो। और दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारे 34, 35, 36 तीन क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, तो आप वहाँ से शुरू कीजिएगा। अब इसका एक और में दिया हुआ है दूसरा, 2 क्वेश्चन थे 25th में, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। वो क्वेश्चन भी आपका 8.1 एक्सरसाइज से लिया गया है। एक ट्राइंगल दे रखी है पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू इज 90 डिग्री, ये पी क्यू आर दे रखी है। इसमें पी आर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कहता है टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू निकालिए क्या होगी। जैसा कि मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का प्रयोग करेंगे, और राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर में ही आप गलती कर सकते हैं, बाकी नहीं करेंगे। तो एक चीज़ और आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होता है, और छठे चैप्टर में आपने पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो 6.8 एंड 6.9 थ्योरम्स हैं वो भी आपने हल कर ली होंगी। नहीं तो इस सैम्पल पेपर के बाद मैं आपको मेन थ्योरम्स समझाऊंगा। तो चलिए 10P, अब आप 10, मैंने बताया था कि ये आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले से भी याद कर सकते हैं, उंगलियों से भी कर सकते हैं, हर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको समझ पाते हैं। चलिए 10P, अब यहाँ पर एक आपको निकालना पड़ेगा QR, ठीक है जी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर, क्योंकि एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर। तो पी क्यू है 12, क्यू आर हमें पता नहीं और पी आर है 13, तो क्यू आर स्क्वेयर को यहाँ रखेंगे तो 13 स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर इधर आ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा ये 25, 169 माइनस 144, या यूँ समझ लीजिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक बार प्लस कर देंगे 25 माइनस करेंगे 1 तो रहेगा 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वेयर 25 है तो क्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड आ गई आपकी, ध्यान रखिए जब रेशो दे रखा है निकालना होता है टी रेशोज, तो तीनों साइड निकाल लीजिए। अब तीनों साइड हैं हमारे पास, अब हम कोई भी टी रेशो निकाल सकते हैं। इसमें का है 10P एंड कोट आर, अगर पी बोला है तो पी वाला जो हिस्सा है, देखो ये पी है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, पी पी के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, यह तो ये हाइपोटेन्यूज और बेस ये दो है ना, पी पी वर्टेक्स किससे मिलकर बना है, पी आर और पी क्यू से, तो पी आर तो हाइपोटेन्यूज ये तो बदलेगा नहीं, तो बचा पी क्यू, पी क्यू बेस हो गया, या तो यूँ समझ लो या ये समझ लो कि इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर है, और 10P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आ गया क्यू आर और बेस आ गया आपका क्या पी क्यू, और माइनस कोट आर, अब आर आ गया आपका, तो मैंने अभी अभी यहाँ भी समझा फिर समझा रहा हूँ, आर एक आर के साथ एक हाइपोटेन्यूज है और दूसरा बेस, हाइपोटेन्यूज होगा एक बेस, हाइपोटेन्यूज होगा एक परपेंडिकुलर, या यूँ समझ लो आर के सामने परपेंडिकुलर,
तो कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब देखा जाए तो ये यहीं पर जीरो हो जाते हैं, फिर भी अगर आप इनकी वैल्यू रखना चाहो तो 5/12 और 5/12 दैट इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा चैप्टर 8 से। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। दो क्वेश्चन हमने 25th में कर लिए हैं, चैप्टर 8 से बिलोंग करते हैं ये। चैप्टर 8 का नाम ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत आसान लेकिन फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। 26th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यहाँ पर आपका सेक्शन बी खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेक्शन सी शुरू होगा 27 से 33 तक, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी दे रखा है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन, टू गिव सम 636। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है सैंपल पेपर में, क्वेश्चन नंबर 26 है। जैसा देखते ही आपको पता लग गया होगा कि ये चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी से लिया गया है। अब यहाँ पर जो प्रोग्रेशंस होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं, एपी, जीपी, एजीपी एंड एचपी, जो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले है एपी जो आपके सिलेबस में है, दूसरा जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तीसरा एजीपी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और होता है हार्मोनिक। ये 4 प्रकार के होते हैं। आपके सिलेबस में केवल एपी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 4 प्रकार की प्रोग्रेशंस आप अभी आप सिर्फ एपी सीखे हैं, तो हायर क्लास में जाएंगे तो आप बाकी की 3 और सीखेंगे। फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं तो ये भी मैं सिखाता। अब देखिए एपी क्या है, चैप्टर 5 है ये आपकी एनसीईआरटी का बुक में, कि कोई भी अगर आपको सीक्वेंस दे रखी है तो उनके बीच में जैसे 2, 4, 6, 8 इनके बीच में देखेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस हो सेम है, जब इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहे जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे तो एपी बन जाएगा, अदरवाइज एपी नहीं बनेगा। तो अब देखिएगा इसमें क्या है कि एपी क्या दे रखा है आपका, मैं यहां से सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। एपी दे रखा है 9, 17, 25 इसका मतलब है कंटिन्यू। अब क्या निकालना है, हाउ मैनी टर्म्स, अर्थात ये समझ लो एन निकालना है, कितनी टर्म्स, अर्थात एन, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, संख्या, कितनी टर्म्स को जोड़ें, ये एपी दे रखे, इस एपी की कितनी टर्म्स को जोड़ दें, कितनी टर्म्स मतलब एन निकालना है को जोड़ दें कि जो सम है अर्थात जो जोड़ है वो कितना आ जाए 636। तो ठीक है, इसके अंदर आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो सबसे पहले आप ए लेंगे, ए होता है फर्स्ट टर्म, ये 9, फिर डी लेंगे, इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें ही हमारी, ए डी एन, ये अगर तीनों चीज़ हमारे पास है तो इसके सभी फार्मूले लागू हो जाते हैं। इसमें कितने फार्मूले होते हैं, एक तो nth टर्म निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एक ए एन, दूसरा इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है, जब आपको एस एन दे रखा हो तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1, इससे भी ए एन निकलेगा। तीसरा एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल,
ये आपके केवल ए एन के और एस एन के दो ही फार्मूले हैं। एस एन दे रखा है तो ए एन ऐसे निकाल लेंगे इसका यूज करके, ए और एन डी दे रखा है तो इससे निकाल लेंगे। अभी आप इन पे थोड़ा सा ध्यान करें, इनको याद करने की कोशिश करें। तो डी क्या होता है? डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना। ध्यान रहे, इधर से इधर माइनस करना है, राइट टू लेफ्ट। तो 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है जी, ए आ गया। और एन निकालना है, निकालना क्या है एन, और क्या दे रखा है इसके अंदर आपने, एस एन, जो कितना दे रखा है 636, सम एस एन कितनी टर्म्स का, एन टर्म्स का, मान लो एन टर्म्स हैं इसमें उनका सम। अब यहां पर एन वाला फार्मूला लगा दो, हमें पता है कि एस एन होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 636। अब n तो है नहीं, a है d है, वैल्यू रख दीजिएगा। तो अब जैसे ही हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो n बाई टू 2a, a अपना देखो ये रहा 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपका ये रहा 8 दैट इज इक्वल टू 636। अब इसको हम आगे हल करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो आपके पास अब इसको हल कर ले, देखो इनमें से 2 कॉमन निकल के इसको कैंसिल कर देगा, तो आपके पास यह रह जाएगा n, या होगा 9 प्लस, यहां पर 2 निकला था तो 4 बच गया, 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636। अब आप ये समझ गए होंगे इसका मतलब है, इसमें से 2 कॉमन निकला और इसमें से अगर 2 कॉमन निकलेगा 4, वो 2 इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ n बचेगा, 9 बचेगा, ये 4 n माइनस 4 बचेगा। अब अंदर क्या बचा आपका, 4 में से 9 में से 4 गया 5 प्लस 4n 636, 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636, इधर ले आइए 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब आप ये क्या है, फैक्टराइज करना है इसको, क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे। तो इसका तरीका क्या होता है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे a और c को, 4, 6, 12, 14 एंड 25, और फिर प्लस और माइनस करें कि ये बचे। ऐसे टर्म्स हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करें और वो इससे कर दें। तो ये देखो 50 इंटू 50, इसके आसपास की टर्म्स को कैलकुलेट करें, देखें अगर मैं इसमें कर देता हूँ, और देखो आगे बढ़ा दूँ नीचे बढ़ा दूँ, बीच में डिफरेंस 5 का रख लूँ, ठीक है जी। अब मैं अगर करता हूँ 52 तो 5 माइनस करूंगा 47, 14, अब 47, 14 में करूंगा तो देखो मल्टीप्लाई करो, तो आपका कितना आ जाएगा, ये इतना आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो यहां पर अगर मैं 4 कर दूं और यहां पर मैं कर दूं 9 तो नहीं बनेगा, अगर मैं यहां 3 कर दूं और यहां कर दूं 8 ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, हो गया, तो इसका मतलब 53 और 48, तो इसके दो टुकड़े हो गए 53 एंड 48। इस तरह से आप देखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n 636 इज इक्वल टू 0। अब n कॉमन, 4n प्लस 53 यहाँ पर 48, 12 कॉमन तो कितना हो जाएगा 4n माइनस बार तो प्लस 53, ये इक्वल आने चाहिए, तो कितना आ गया ये 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसकी वैल्यू या तो इसके 0 के इक्वल हो गया, इसके 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो
तो ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है एन में, तो इसमें क्या आएगा और एन इज इक्वल टू 12, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 12। इस एपी की 12 टर्म्स तक अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा सम 636 होगा। तो हमने आज चैप्टर 8 के दो क्वेश्चन किए और चैप्टर 5 एपी में भी सीखा, और मैंने आपको बताया कि इनमें कौन कौन से फार्मूले लगते हैं। जो पांचवा चैप्टर एपी है बहुत ही आसान सा चैप्टर है, दो ही फार्मूले इसमें लगते हैं, ए एन कैसे निकालें और एस एन कैसे निकालें, और कुछ है भी नहीं। जो कुछ निकालना वो लिख लें, जो कुछ दे रखा वो लिख लें और फार्मूले में पुट कर दें, बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिक्स इज द इजिएस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, बट इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसमें रट्टा नहीं चलता। तो उम्मीद है ये समझ आ गए होंगे। कृपया आप चैप्टर 8 और चैप्टर 5 को रिवाइज करें। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क करें, और अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।